नमस्कार, मैं मीनू एमएस दीप दिशा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी जो मैंने आपसे कहा था कि घी जब मैंने बनाया था उसके घी के बाद में जो मलाई से घी बनाया था और जब घी बनाया था उसमें ये निकला था पेस्ट, जिसको कहते हैं मैयर, जो घी निकालने के बाद में यानी कि मलाई को डायरेक्ट हमने कढ़ाई में डाला था, उसके बाद में घी निकाल के इसके बाद में जो इसका ये बचता है चोकर ऐसा घी के बाद में, तो ये है मलाई का, जो मलाई जल जाती है उसका ये है चूरा। तो इसका मैंने आपसे कहा था लड्डू बनाना सिखाऊंगी, तो मैं आपको लड्डू बनाना बता रही हूँ। तो इसमें क्या क्या सामान लेना है ये आप देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे एक तो ये ले लिया, एक बड़ा कप, मेरे पास ये बड़ा कप है, तो ये बड़ा कप भर के मैंने ये लिया है इसका जो मैयर निकाला है यानी देसी घी से जो निकल देसी घी निकालने के बाद में जो भूसा ऐसा निकलता है उसका है ये पेस्ट। और ये करीब इसका आधा पौना कप है ये आटा, वीट पाउडर, ये शुगर पाउडर, ये थोड़ा खोया, ये देखिए ये खोया है, और ये है कुटी हुई इलायची, छोटी इलायची, और ये किशमिश है, ये काली मिर्च, ये काली मिर्च पाउडर है, और ये बादाम थोड़े से, और ये काजू, ये इलायची का जो मैंने पाउडर बनाया है वो कम से कम 10 से 12 इलायची है, उसका छोटी इलायची का पाउडर है। तो अब मैं आपसे बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी घी रह गया था, मैंने पूरा निचोड़ा नहीं था, क्योंकि निचोड़ थी तो उसमें करीब कम से कम नहीं तो आधी कटोरी से कम निकल आता घी, तो मैंने इसको क्योंकि लड्डू बनाना था इसलिए मैंने इसमें घी बचा के रखा हुआ है। और देखिएगा इसमें जो घी है ऐसे करके करूँगी तो ये देखिए दिखाई पड़ा ना हाथ में, ये देखिए कितना घी है, तो ये हमारा लड्डू को बांधेगा। और मेन चीज़ है देसी घी फ़ायदा भी करता है और टेस्ट भी बढ़ाता है हमारे लड्डू को। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा देसी घी डाल के ड्राई फ्रूट्स फ्राई करूँगी, मैंने सबसे पहले देसी घी डाल के ड्राई फ्रूट्स ये मैंने फ्राई करना है। आप जो है देसी घी में भी भून सकते हो, आप जो है रोस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ठंड आ रही है, ठंड में देसी घी ज़्यादा फायदा करता है और हजम भी करता है, सेहत भी हमारी बढ़िया रखता है। अब इसको भूनने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी भूनना है, फिर इसके बाद में थोड़ी सी किशमिश थोड़ा रोस्ट करूँगी, ये देखिए हल्की गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इसमें किशमिश डालूंगी, इसको निकाल ले रही हूँ, इसके बाद में मुझे किशमिश डालना, किशमिश मैंने धोया है इसलिए थोड़ा सा आवाज कर रहा है, क्योंकि ऊपर की लेयर बहुत गंदी होती किशमिश की, तो किशमिश को हमेशा वॉश करके ही यूज करना चाहिए।
किशमिश भी हमने भून लिया है। अब मुझे इसमें डालना है आटा, वीट पाउडर डालूंगी भूनने के लिए। इसमें ज़्यादा घी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें इसके जिससे मलाई निकाली थी उसके चोकर में काफ़ी कुछ घी एब्जॉर्ब है तो वो छोड़ देगा। मुझे थोड़ी धीमी आंच में भूनना है। ये देखिए अब मेरा आटा करीब करीब तैयार है। ये ब्राउनिश कलर का हो गया है, थोड़ा सा और भूनना है। इसको धीमी आंच में भूनना है जिससे कि जले ना, अगर जल जाएगा तो उसका सारा टेस्ट जो है मज़ा सारा बेकार हो जाएगा लड्डुओं का। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने ड्राई फ्रूट पूरे साबुत हमने जो फ्राई डीप फ्राई किए हैं तो आप इसमें ऑप्शन है आपके पास में, आप चाहे इसको कूट के फ्राई कर सकते हो और या फिर आप जो है बिना डीप फ्राई किए हुए आप रोस्टेड कर सकते हो, रोस्ट करके कूट के कर सकते हो या आप कूटने के बाद में फ्राई कर सकते हो। यह ऑप्शन आपका है अपना, आप जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, वैसे ही बना लेना। मेरा आटा बिल्कुल रेडी है, देखिए ब्राउनिश हो गया है। अब मैं फ्लेम बंद करूंगी। मैंने आटा इसको प्लेट में निकाल लेना है। देखिए थोड़ा सा आराम से करिएगा, जलिएगा नहीं, लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना ख्याल रखते हुए काम करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना और आराम से आप इंजॉय करते हुए कोई भी सामान बनाइए, इंजॉय करिए तो आप टेस्ट देखिएगा और बढ़ जाएगा, खाने में टेस्ट और बढ़ जाएगा अगर आप इंजॉय करके कोई भी काम करोगे। आटा गूंदना भी इंजॉय करना है, हर चीज़ इंजॉय करनी है। तो अगर हम इंजॉय करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आती है खाना बनाने में, तो वही चीज़ हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो देखिए कितना बढ़िया है भाई मलाई के। अब इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी। अब मैं थोड़ा सा खोया भी भून लूँगी क्योंकि कच्चा खोया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो एक खोया भी भून के रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक मेरे लड्डू चलेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो कच्चे खोए में स्लो फ्लेम करना है, उसके बाद में इसको खोए को कढ़ाई में डाल देना है। और आप चाहें तो इसमें केसर ऐड कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा इंटरेस्ट से बढ़िया प्रेम से खाती हो, नारियल बूरा है, नारियल है और उसके बाद में छुहारा है, ये सारी आप ठंड में तो सब कुछ बहुत फायदा करता है। और काली मिर्च थोड़ा इसका टेस्ट बढ़ाता है, इसलिए मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। बस थोड़ा सा ही भूनना है, हल्का सा रेडी हो जाएगा तो इसका कच्चापन जो है चला जाएगा तो लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे और ख़राब नहीं होंगे। देखिए कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया है, कलर इसका चेंज हो गया है, देखिए हल्का सा ब्राउनिश आ गया। अब मेरा खोया होके रेडी हो गया है, अब मेरा आटा भी ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ पिसी हुई। काली मिर्च डालनी है आपको करीब एक यानी 250 ग्राम आटा और ढाई सौ ग्राम हमारा जो है ये दूध में जो मलाई निकलती है तो उसका जो मलाई का बूरा है जो घी निकालने के बाद जो बचता है वो है 250 ग्राम करीब। और
100 ग्राम करीब आटा है और उसमें मैंने 10 से 12 पीसेस जो है काली मिर्च के डाले हैं, ये इसमें ऐड कर दिया काली मिर्च। अब मुझे ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स, मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इलायची डालूंगी। आप खा के देखना कितना स्वादिष्ट है, आप बनाना जरूर। क्योंकि देखिए हमने कहा था आपसे कि एक पंथ कई काज, अब देखिए घी भी निकल आया दूध से मलाई निकली, मलाई से घी निकला, घी से घी के बाद घी भी निकाल लिया और घी के बाद जो मलाई का जो वो घी निकालने के बाद बचता है उससे मैं लड्डू भी बना रही हूँ, है ना मज़ेदार, कितनी बढ़िया बातें। अब देखिए मैंने इसको मैश करना है धीरे धीरे, देखिए अपना आराम से हाथ बचा के आप करना, बिल्कुल जलने की ज़रूरत नहीं है और इंजॉय करते जाइए। अपने मनपसंद गाना लगा लीजिए, जो म्यूज़िक आपको पसंद हो, इंस्ट्रूमेंटल या फिर जो भी वोकल म्यूज़िक, कोई क्लासिकल म्यूज़िक, जो भी आपको पसंद हो बढ़िया इंजॉय करते जाइए और ये बनाने में मज़ा भी है। ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। अब मैंने इसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना है, खूब बढ़िया मिक्स करना है, ये मिक्स हो रहा है। अब इसमें क्या करना है, ये अब मिक्स हो चुका है, इसमें जो मलाई का चूरा जो बचा था देसी घी निकालने के बाद में वो डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है क्योंकि इसमें ऑयल घी भी ज़्यादा है और इसमें मैश करेंगे अच्छे से तो ये अच्छे अच्छे से आटे को एब्जॉर्ब कर लेगा, आटा जो है इसमें मिल जाएगा अच्छे से। ये देखिए आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपसे नहीं बनता है ऐसे बनाने में तो आप थोड़ा सा चाहे पका हुआ दूध या फिर देसी घी, क्योंकि देसी के जाड़े में खाने से स्वास्थ्य ही बनता है, क्योंकि ये तीन महीने जो होते हैं हम लोगों के बहुत बढ़िया होते हैं, उसमें बहुत खाना चाहिए, इसको खा के आप बढ़िया दूध पीजिए, सेहत बन जाएगी बढ़िया। ये देखिए मैंने ये डाल दिया, अब भी इसमें डालूंगी थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये देखिए इसमें मैंने घी थोड़ा सा चूरे में बचा लिया था जिससे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। मेरा करीब 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही था घी। ये देखिए ये है रेडी हो रहा है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसको पंजीरी की तरह से भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप खसखस मिला सकते हो, आप खरबूजे के बीजे मिला सकते हो और इसमें आप फ्राई करके खरबूजे के बीजे और छुआरा छोटा छोटा स्लाइस करके वो भी मिक्स कर सकते हो, उसमें भी बहुत टेस्टी है। 2 चम्मच अपना खाया रात में या दिन में सुबह और बढ़िया गरम गरम दूध पिया, पौष्टिक है बढ़िया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बूरा शक्कर का, ये ऐड कर रही हूँ, ये भी ये करीब 1 कप मेरा वो था मलाई का जो चूरा निकला था तो उसी के बराबर ही हमको शक्कर भी लेना, बूरा भी लेना है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो कि इसमें बूरा मिला के आप डब्बे में भर के रख दो तब भी नहीं ख़राब होगा, आपकी बढ़िया जो है पंजीरी रेडी हो जाएगी। ये भी पौष्टिक ही है, बहुत टेस्टी लगती है, आप खा के देखना आपको मज़ा आ जाएगी। और कम से कम आपको ये पूरा पेस्ट मेरा तैयार हो जाएगा 1.25 किलो यानी कि 1 किलो से थोड़ा सा कम, तो इसमें कम से कम हम 10 से 15 इलायची छोटी डालिएगा तभी टेस्ट बढ़िया आएगा, उसका मज़े आ जाएंगे। और आप एक आइडिया और दे रही हूँ आपको, टिप दे रही हूँ कि गर्म दूध कीजिएगा उसमें आप केसर डालिएगा और केसर डालने के बाद में इसको आप जैसे कि हल्का सा छिट्टा मार मार के आप उसके लड्डू बना सकते हो। इसको अच्छे से पूरे को मिक्स करना है कि इसका सफ़ेद पार्ट ना रह जाए, बिल्कुल अच्छे से करना है। ये देखिए पंजीरी मैंने बनाई थी, दोनों चीज़ बना रही हूँ, पंजीरी बना के दिखा दी आपको। इसको मैंने ये शुगर पाउडर है उसको मैंने इससे सजाया है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये पंजीरी बन गई।
और ये देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ। अब इसको मैंने अच्छे से, आप जो है मखाना भी भून के और पीस के डाल सकते हो, मखाना भी बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए बढ़िया लड्डू है ना, देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ। देखिए इतना बढ़िया, मुझे तो मज़ा आ रही है बहुत बनाने में। आप भी बनाना, आप भी खाना, बताना कैसा लगा, कैसा बना आपको। क्योंकि अब ज़्यादा देर तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन आप पूरा जरूर देखना तो आप इसके लाभ खूब देखोगे। कितना बढ़िया, ना मैंने सूजी इसमें मिलाई है, ना कुछ मिलाया है, बस खाली आटा मिलाया है, क्योंकि वो खुद ही इतना भुरभुरा, इतना ज़्यादा वैसा होता है कि वो अपने आप से बढ़िया बना देगा। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू हैं। ये देखिए मेरे लड्डू बनके रेडी हो गए। ये देखिए है ना लाजवाब, बढ़िया। ये है, इसमें मिल्क ऐड नहीं किया मैंने, लेकिन इसमें डार्क ब्राउन है, इसमें मिल्क ऐड किया थोड़ा सा, और जिससे कि आपको मैं बता सकूं कि मिल्क ऐड करके इस तरह का लगेगा। नहीं आप कहोगे कि वीडियो तो में तो लाइट ब्राउन था और डार्क ब्राउन कैसे हो गया, तो ये मिल्क ऐड करके है, थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है क्योंकि शुगर होती तो वो गीला हो जाएगा। और ये है पंजीरी, तो इसकी मैंने पंजीरी बनाई है, जो लड्डू नहीं बना पा रहा है तो वो उसमें भी ये भी यूज़ कर सकता है इस तरह से भी। और ये केसर वाले दूध के साथ में इसको सर्व करना है, बढ़िया खूब गर्म गर्म दूध हो और उसके साथ में ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये देखिए मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और ये जो है आपका मैंने आज बहुत टाइम ले लिया उसके लिए बहुत सॉरी, लेकिन आपको मैंने कितनी पौष्टिक चीज़ सिखाई है उसके लिए, लेकिन सॉरी आपको इतना टाइम देना पड़ा और आपने इतने प्यार से मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत सारी थैंक यू और सॉरी जो मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। बाय, गुड नाइट, बाय बाय।